हे गाइस, दिस इज गौरव, और जरा अपनी आंखें बंद करो और जुरासिक पार्क के टीरेक्स को इमेजिन करो। कुछ ऐसे ही सीन सामने आए होंगे। वेल, व्हाट इफ मैं आपसे कहूं ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है। टीरेक्स, जिसे मूवीज में खूंखार सीरियल किलर बताया जाता है, वो तो असल में एक रोड साइड रोमियो हुआ करता था। जी हाँ, इनफैक्ट ऐसे स्कैम्स तो पहले भी आपके साथ बहुत हुए। फॉर अनदर इंस्टेंस, कुछ डायनासोर्स के फेदर्स थे, यानी कि पंख, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन मूवीज में इनकी आवाज हमें कैसे सुनाई देती है? एकदम रोर गुर्राने के जैसी, राइट? वेल, दैट्स अनदर स्कैम, क्योंकि रियल लाइफ में उनकी आवाज इससे एकदम ऑपोजिट थी। इनफैक्ट आवाज क्या, इस मूवी में दिखाए गए वेलोसिराप्टर्स का साइज सिर्फ एक मुर्गी जितना छोटा हुआ करता था। मतलब रियल डायनासोर्स हमारे दिमाग के डायनासोर्स जैसे बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। और अगर आप असलियत में जानना चाहते हो वो कैसे दिखते थे, तो चलो ना आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है व्हाट डिड डायनासोर्स एक्चुअली लुक लाइक। अब फ्रेंड्स, डिड यू नो, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के ग्रेग एरिक्सन और अन्य पेलियंटोलॉजिस्ट का ये कहना है कि इनकम्प्लीट फॉसिल स्ट्रक्चर्स की वजह से कई डायनासोर्स के साइजेस में गलतियां होती है, और इसीलिए किसी डायनासोर का वजन उसके साइज के बारे में ज्यादा एक्यूरेट जानकारी दे सकता है। लेकिन जब बिना डायनासोर के डायरेक्टली साइज नापना ही इतना मुश्किल है, तो ऐसे इनकम्प्लीट फॉसिल से किसी डायनासोर का वजन कैसे नापेंगे? आई मीन, इट्स लाइक वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बट गेस व्हाट, इन पेलियंटोलॉजिस्ट ने वजन नापकर कई कार्निवोरस डायनासोर का साइज पता भी लगा लिया है, जिसके अनुसार जुरासिक पार्क का किंग यानी टायरानोसॉरस वाज नॉट द बिगेस्ट कार्निवोर। सो अगर टीरेक्स नहीं तो फिर कौन था वो जिससे टीरेक्स की भी फटती थी? और जब मूवीज में किसी तीन सिंगों वाले राइनोसॉरस की तरह दिखाए जाने वाले ट्राइसेराटॉप्स भी रियलिटी में किसी पोर्क्यूपाइन जैसे नजर आते थे, तो क्या इन मूवीज में बाकी भी सभी डायनासोर्स के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है? Well, साल 1677, एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट रॉबर्ट प्लॉट यूके के कॉर्नवेल विलेज में मौजूद एक खदान में कुछ फॉसिल्स की जांच कर रहे थे। तब उन्हें एक बड़ा सा थाई बोन का टुकड़ा मिला, जो उनको लगा कि एक जायंट इंसान की हड्डी का टुकड़ा है। It was way after that in 1824 जब ऑक्सफोर्ड के जियोलॉजी प्रोफेसर विलियम बकलैंड ने पहली बार ये फॉसिल्स किसी अनजान प्रीहिस्टोरिक जीव के हैं ये स्टेट किया, और उसे नाम दिया मेगालोसॉरस। Now the weird thing about all this is dinosaur, ये वर्ड ही फर्स्ट कॉइन किया गया था in the year 1842 by Sir Richard Owen. So technically dinosaur की एक स्पीशीज का नाम dinosaur इस शब्द से पहले ही इजाद हो गया था। लेकिन ऐसे इनकंसिस्टेंसीज आज भी डायनासोर्स का पीछा नहीं छोड़ रहे। Probably because ज्यादातर साइफाई मूवीज, मैगजीन्स और कार्टून्स डायनासोर्स को गलत तरीकों से पोर्ट्रे करते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह हम खुद भी है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं बातों को समझते और सच मान लेते हैं जो हमें मूवीज या मैगजीन्स में देखने और पढ़ने मिलती है, जबकि हम जानते हैं कि इन दोनों ही बातों को इंटरेस्टिंग और क्लाइमेटिक बनाने के लिए उन्हें तोड़ मरोड़ कर मिर्च मसाला लगाकर बताया जाता है ना? बट कॉमन पॉपुलेशन के लिए अगर इन पर नहीं तो किस पर भरोसा करना चाहिए? Well, of course, books पर, जिनमें चीजों की actual studies मौजूद होती है और बिल्कुल fact based होते हैं, जो बातों को घुमाने के बजाय हमें सच बताता है। But I know आज के busy lifestyle में या फिर English language में इतना अच्छा grasp नहीं होने की वजह से हम books को अपने से मीलों दूर कर देते हैं, और यहीं पर इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने कुकू FM ऐप आया है आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। एक ऐसा मेड इन इंडिया ऐप जिसमें आपको फेमस राइटर्स की किताबें हिंदी जैसे लैंग्वेज में मिलेगी, और वो भी ऑडियो फॉर्मेट में, जिसे आप अपने रेगुलर लाइफ में मल्टीटास्किंग करते वक्त भी सुन सकते हो। इसमें अन्य जॉनर्स के बुक्स आपको मिलेंगे, जैसे बायोग्राफीज, कॉमेडी, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप, एकेडमिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस ऐप में 1000 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी है, और साथ ही में आपको बुक समरीज भी मिलेंगे कि अगर आपके पास समय कम है तो आप उस बुक का सिर्फ एक्सट्रैक्टेड कॉन्टेंट ही पढ़ सकते हो। 4.5 प्लस रेटिंग वाले इस ऐप को मेरे स्पेशल कूपन कोड GS50 या मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक का इस्तेमाल करके आप 399 रुपीस की जगह पे 50% ऑफ लेके 199 रुपीस पर ईयर के लिए खरीद सकते हो। लेकिन ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है, सो आपको थोड़ा सा हरी करना होगा। एंड फ्रेंड्स, इफ यू डोंट रीड बुक्स, दिस ट्रूली माइट बी वन ऑफ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रहा था, मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ना कि नॉलेज के लिए, और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा साइफाई मूवीज, कार्टून्स और मैगजीन्स में आज भी डायनासोर्स को कैसे गलत तरीके कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कलर, जुरासिक पार्क के सभी सीक्वल्स में ऑलमोस्ट हर डायनासोर की स्किन किसी मगरमच्छ की तरह स्केली और ग्रीन, ग्रे या ब्राउन जैसे डल कलर से दिखाई गई है। मगर इस फ्रेंचाइजी के लिए एज अ साइंस एडवाइजर काम कर चुके पेलियंटोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर ने रिसेंटली ये रिवील किया कि मूवी के प्रोड्यूसर स्टीवन स्पीलबर्ग ने जानबूझकर डायनासोर्स के लुक्स के साथ छेड़खानी की थी।
हॉर्नर ने बताया कि वो स्टीवन को जब वेलोसिराप्टर के कलरफुल फेदर्स के बारे में बता रहे थे, तब स्टीवन हंस पड़े और बोले कि रंग बिरंगे डायनासोर डरावने नहीं लगते बल्कि ब्यूटीफुल लगते, लोगों को डराएंगे कैसे। इनफैक्ट उसी मूवी में एज अ साइंस एडवाइजर काम करने के बावजूद हॉर्नर का खुद का ये मानना था, इस फ्रेंचाइजी की सभी मूवीज को रियल डायनासोर से कंपेयर करें तो उनमें सिर्फ एक ही डायनासोर एक्यूरेटली दिखाया गया है, इंडोमिनस रेक्स। वो भी इसीलिए क्योंकि वो एक फ्रिक्शनल डायनासोर था जो टीरेक्स और वेलोसिराप्टर का एक मिक्स्ड ब्रीड बताया गया था। सो देयर इज नो रियल डायनासोर टू कंपेयर इट विथ इन जुरासिक पार्क मूवीज। कुछ भी दिखा दो क्या ही फर्क पड़ता है, देखने में मजा आना चाहिए बस। बट देन अगर मूवीज में दिखाया गया कलर गलत है तो फिर डायनासोर्स का असली कलर आखिर क्या हुआ करता था। वेल, साल 1996 में सिनोसॉर ऑप्टेरिक्स वो पहला ऐसा डायनासोर था जिसके फॉसिल में फेदर्स इंटैक्ट मिले थे। इसीलिए 2010 में जब इस फॉसिल को माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी किया गया तब पता चला कि उसके फेदर्स के टिप पर कुछ मेलानोसोम्स चिपके हुए हैं, यानी वो सेल्स जो किसी सेल को मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं एंड हेंस स्किन को कलर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्किन का ब्राउन कलर भी मेलानोसोम्स की वजह से होता है क्योंकि वो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, विच इज अ डार्क ब्राउन कंपाउंड। अब क्योंकि 2008 में कुछ एंशियंट फॉसिलाइज्ड बर्ड्स पर की गई रिसर्च से ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका था कि एक पर्टिकुलर शेप के मेलानोसोम्स एक पर्टिकुलर रंग के मेलानिन को बनाते हैं, पेलियंटोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि करीब एक मीटर लंबे इन छुटकू सिनोसॉर ऑप्टेरिक्स का रंग किसी रकून जैसा हुआ करता था, रेडिश कलर ऑन द बैक, पेल बेली एंड अ लॉन्ग स्ट्राइप्ड टेल। पर ये तो हुई सिर्फ फेदर्स के कलर की बात, इन मूवीज में तो फेदर्स तक दिखाए नहीं गए हैं। सो चलिए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं फेदर्स के। अब वेलोसिराप्टर्स को कौन नहीं जानता, स्टीवन स्पीलबर्ग की इन मूवीज ने बाकी किसी डायनासोर को फेमस किया हो या ना किया हो, टीरेक्स और वेलोसिराप्टर्स को भर भर के लाइमलाइट दी। पर अगेन सभी मूवीज में इन्हें नंगू पंगू ही दौड़ाया गया जबकि ये असल में कुछ ऐसे दिखाई देते थे, फेदर्स से भरे हुए। नाउ हाउ डू वी नो कि ये ऐसे दिखाई देते थे? वेल, 1998 में मंगोलिया की एक जगह से वेलोसिराप्टर के फोरआर्म की हड्डी बरामद हुई थी जिसकी बारीकी से छानबीन करने पर यह पता चला कि उस पर तो क्विल नॉब्स मौजूद है। क्विल नॉब्स बेसिकली बर्ड्स की हड्डियों पर मौजूद वो ग्रूव्स होते हैं जहां उनके फेदर्स की डंडी यानी क्विल लिगामेंट्स की मदद से अटैच्ड होते हैं। अब क्योंकि वेलोसिराप्टर के हाथ उसके बॉडी साइज के मुकाबले काफी छोटे हुआ करते थे, वो उड़ तो नहीं सकते थे बट दे हैड फेदर्स, ये तो अब कंफर्म हो चुका है। लेकिन जुरासिक पार्क अकेला ही नहीं बल्कि वेलोसिराप्टर की नई रंगीन फेदर्स से भरी तस्वीरें वायरल होने से पहले ऑलमोस्ट हर कोई डायनासोर को हरा, भूरा या ग्रे कलर की स्केली चमड़ी वाले जीव के तौर पर ही विजुलाइज किया करते थे। इसके पीछे कुछ पेलियंटोलॉजिस्ट के अनुसार दो रीजंस हो सकते हैं। लोग मोस्टली सभी डायनासोर्स को शिकारी जानवर के तौर पर इमेजिन करते हैं एंड वी ऑल नो इट, शिकारियों का कलर मोस्टली डार्क ही होता है जिससे शिकार उन्हें देख ना पाए, जैसे ग्रेश या ग्रीनिश, और ताकि वो आसपास के वातावरण में घुल मिल जाए, कैमोफ्लेज हो जाए। ज्यादातर डायनासोर्स बड़े जानवर थे जिसके कारण लोग जब भी उन्हें इमेजिन करते थे तो वो उन्हें किसी हाथी या गेंडे के स्किन कलर में इमेजिन करते थे, जबकि जैक हॉर्नर का ये कहना है कि मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके फेदर्स ब्राइटली कलर्ड हुआ करते थे अलोंग विद क्रेस्ट्स ऑन देयर हेड, जैसे बर्ड्स में होता है। बट हेड से याद आया, मूवीज में बताए गए टीरेक्स जो इंसान के जान के दुश्मन थे वो क्वाइट आयरोनिकली रियलिटी में तो अपनी लैला के मजनू थे, नहीं समझे? तो सुनो, मॉडर्न स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ने रिवील किया कि टीरेक्स का ब्रेन काफी बड़ा था जिसकी वजह से वो एक शार्प विजन डायनासोर तो थे ही, लेकिन उसके साथ ही वो बड़े कडली फेलो भी थे। दिन के आधे टाइम तो वो इधर उधर खेलने में और उसके साथ साथ अपनी महबूबा को इम्प्रेस करने में गुजार देते थे कि इंसानों को क्या डराएंगे। इतना कि उन्हें ऑफिशियली अ सेंसिटिव लवर नाम भी पड़ गया था। जस्ट इमेजिन अ 20 फीट टॉल क्रीचर जिसे खूंखार आदमखोर दिखाया गया है, he was actually a love bug. But ये love bug, ये डायनासोर का मूवी में तो कुछ और ही अवतार बताया, और अवतार के साथ ही उनकी आवाज, जरा इसे सुनो। सिर्फ इसकी आवाज ही सामने वाले को डराने के लिए काफी है ना, क्या खूब साउंड इफेक्ट्स बनाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो डायनासोर की आवाज जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो वो एक बड़ा स्कैम हुआ है आपके साथ, जिसे कंफर्म किया है जुरासिक पार्क मूवी के साउंड डिजाइनर गैरी रिडस्ट्रॉम ने। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मूवी में बताए गए डायनासोर के दहाड़ दरअसल बेबी एलिफेंट, एलिगेटर, टाइगर, ब्लू व्हेल जैसे कई जानवरों की आवाजों को मिक्स करके क्रिएट की गई थी, जिसे वो आपस में डायनो साउंड बोलते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट अगर ये डायनासोर का रियल साउंड नहीं है तो एक्चुअल में उनका साउंड हाँ कैसे? Well, actually रिसर्च से ये पता चला कि इतने बड़े और डरावने दिखने वाले डायनासोर्स की आवाज हुआ करती थी ऐसे।
क्या हुआ? शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, लगा। Well, अब तक पेलियंटोलॉजिस्ट को जितने भी फॉसिल्स या स्केलेटन्स मिले हैं, उनमें से एक भी स्केलेटन में वॉइस बॉक्स था ही नहीं। यानी हमारे और बाकी जानवरों में जो ऑर्गन साउंड प्रोड्यूस करता है, वो ऑर्गन का ढांचा ही मिसिंग था। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के पेलियंटोलॉजिस्ट डॉक्टर जूलिया क्लार्क के अनुसार, बर्ड्स और क्रॉक्स में जो लैरिंग्स और सिरिंग्स इवॉल्व हुए हैं, वो दरअसल डायनासोर एरा खत्म होने के बाद इवॉल्व हुए थे। सो, ऐसी खतरनाक आवाज वो आखिर निकालते कहां से? बट चलो, भले ही इनके पास लैरिंग्स नहीं था, जब भी वो सांस लेते थे उसमें से ये साउंड जरूर आती थी। ये है रियल साउंड, क्योंकि ह्यूमंस और बाकी जानवरों की तरह इनके भी नोज और माउथ एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिससे सांस लेते वक्त उस कनेक्टेड एरिया यानी कि रेजोनेंस चेंबर में एक साउंड प्रोड्यूस होता था, बिल्कुल किसी एलिगेटर की तरह। नाउ जस्ट इमेजिन द किंग ऑफ द डायनासोर्स ओनली हिस्ट। बट जब आवाज थी नहीं तो ये कम्युनिकेट कैसे करते थे? Well, इसका भी जुगाड़ इनके पास ऑलरेडी था, जिसे अपने रिसर्च में बताया है पेलियंटोलॉजिस्ट फिल सेंटर ने। उनके अनुसार डायनासोर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपने जबड़ों को आपस में रगड़ते थे, और उसके साथ ही वो पानी पर जोर जोर से अपने क्लॉज पटक कर साउंड प्रोड्यूस करते थे। Which sounds weird compared to their size, but fact is fact. और मूवीज में तो उनकी साइज एटलीस्ट बराबर बताई जाती है, या उसमें भी कुछ लोचा है। Well, जैसे कि हमने मूवीज में देखा, डायरेक्टर ने ऑलमोस्ट सभी डायनासोर्स को जायंट बताया, लेकिन असल में वो उतने जायंट थे ही नहीं। अब वेलोसिराप्टर्स को ही देख लो, मूवी में वो कुछ इस तरह से दिखाए गए थे, जबकि असल जिंदगी में वो इंसानों की कमर तक भी नहीं आते थे। उनकी लंबाई असल में 6.8 फीट यानी कि 2 मीटर थी, और ऊंचाई सिर्फ 1.6 फीट यानी बिल्कुल किसी मुर्गी की हाइट जितने। सिर्फ दोनों में फर्क इतना हुआ करता था कि वेलोसिराप्टर्स शिकारी हुआ करते थे और मुर्गी किसी और का शिकार। इतना ही नहीं, हम सभी का चहीता टीरेक्स, जिसे कुछ इस साइज का मूवी में बताया गया है, वो भी असल में बस 40 फीट लंबा और 12 फीट ऊंचा हुआ करता था, यानी बस आपके घर के सीलिंग जितना। तो क्या ये गलती है या मैनिपुलेशन ऑफ हिस्ट्री? वेल, नहीं, उन्होंने मूवी में जो साइज बताया है उसके पीछे का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट था, क्योंकि भले ही पहले वो उनके साइज से वाकिफ नहीं थे, लेकिन एक्चुअल साइज पता लगने के बाद भी उन्होंने उसमें कुछ बदलाव नहीं किया। बस डायनासोर स्क्रीन पर डेंजरस दिखने चाहिए, इसीलिए उन्होंने बड़ा साइज दे दिया। इनफैक्ट सिटाकोसॉरस, जिसकी एक्चुअल मीन हाइट बस किसी लैब्राडोर जितनी हुआ करती थी, उसके भी साइज को एग्जैजरेट करके 4 फीट लॉन्ग और 2 फीट टॉल बता दिया गया, जबकि कई पेलियंटोलॉजिस्ट ने अलग अलग मेथड से इन डायनासोर्स की साइज बहुत पहले ही बता दी थी। अब सवाल ये उठता है कि इनके ओरिजिनल साइजेस साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई कैसे किए? Well, ये मुमकिन हो पाया by methods like skeletons के larger bone, जैसे कि thigh bone को study करना, because thick bone मतलब भारी dinosaur और भारी dinosaur मतलब बड़ा शरीर। उसी के साथ उन्हें मिले dinosaur footprint से भी उनके size का पता लगाया जा सकता था, because simple है, पहले footprint की length find करो, फिर उसे 4 से multiply करके hip length find करो, and then finally hip length is 50% of the actual length। लेकिन सच बताओ यार, जिसे हम आज तक world का ruler मानते आए हैं, उनमें से कुछ का size तो कुत्ते मुर्गी जितना छोटा हुआ करता था। ये जान के आपको कैसा लगा? I mean, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें भी डायनासोर्स के एज में होना चाहिए था, खूब डोमिनेट करते इनको। On a lighter note, of course, so क्या लगता है आपको, अगर डायनासोर्स आज भी जिंदा होते तो क्या वो इस हाइट के साथ दुनिया पर राज कर पाते, या हम उन्हें टपली मार के जंगल भेज देते? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स, कुकू एफएम पर मिल रहे आपकी ईयरली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट को मत भूलना, क्योंकि ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है। बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर अभी क्लिक करो, या डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड GS50 इस्तेमाल करो। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। ये दो वीडियोस चेकआउट करो जो स्क्रीन पर दिख रहा है, अपने नॉलेज को और बढ़ाने के लिए। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।